आईपीएल 2021 की नीलामी शुरू होने में 15 दिनों से भी कम का समय बचा हुआ है और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2021 की नीलामी को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रही है और इस टीम ने उन 5 खिलाड़ियों के नाम रिवील कर दिए हैं जिन्हें सीएसके की टीम इस ऑक्शन में किसी भी कीमत पर उन 5 खिलाड़ियों को ऑक्शन में परचेज करके अपनी टीम में शामिल करेंगी। तो उन 5 खिलाड़ियों के नाम निकल कर सामने आ चुके हैं, तो उन 5 प्लेयर के नाम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ओवरऑल ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होंगे, एंड तक जरूर देखना। और आप भी चाहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स जीते आईपीएल 2021 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं पहले खिलाड़ी की जिस पर सीएसके की टीम इस नीलामी में हमें बिडिंग करते हुए नजर आएंगी। वो खिलाड़ी स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ रिलीज हो चुके हैं आरआर की ओर से और नीलामी का हिस्सा होंगे, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इन पर बिडिंग करते हुए दिखने वाली है हमें। चेन्नई सुपर किंग्स को नीड है स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी की, क्योंकि इस टीम का मिडिल ऑर्डर में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा था आईपीएल 2020 के सीजन में। तो ये टीम अपने मिडिल ऑर्डर को हमें मजबूत करती हुई दिखने वाली है, तो ये टीम जरूर स्टीव स्मिथ को अपनी टीम में शामिल करती हुई हमें दिखने वाली है इस ऑक्शन में परचेस करके। चलिए बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की जिस पर सीएसके की टीम इस नीलामी में हमें बिडिंग करती हुई दिखने वाली है। वो खिलाड़ी है गिलन मैक्सवेल। गिलन मैक्सवेल भी रिलीज हो चुके हैं केएक्सआईपी की ओर से और ये भी नीलामी का हिस्सा होंगे, तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इन पर भी बिडिंग करने वाली है। स्टेफेन फिलिमिंग ने, चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच स्टेफेन फिलिमिंग ने पहले ही बता दिया है कि टीम गिलन मैक्सवेल के पीछे जाती हुई दिखने वाली है इस नीलामी में। तो ये टीम जरूर चाहेंगे गिलन मैक्सवेल को अपनी टीम में शामिल करना। गिलन मैक्सवेल भी काफी गजब के फॉर्म में चल रहे हैं बिग बैश लीग में और बहुत बढ़िया फॉर्म में है, तो इनकी बोलिया में 9 से 10 करोड़ रुपए तक जाती हुई दिखने वाली है और सीएसके की टीम इन्हें इजीली परचेज करके अपनी टीम में शामिल करने वाली है इस ऑक्शन में। वैसे आपको क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स का गिलन मैक्सवेल को परचेज करने वाला फैसला सही है या फिर नहीं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। चलिए बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी की जिस पर सीएसके की टीम इस नीलामी में कंफर्म रूप से बीडिंग करने वाली है। वो खिलाड़ी है मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड भी बहुत बढ़िया फॉर्म में बिग बैश लीग में और इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, तो ये टीम इन्हें भी इस टीम में शामिल कर सकती है अपनी मैथ्यू वेड को, क्योंकि इस टीम को ओपनर की नीड रहने वाली है आईपीएल 2021 की नीलामी में। इस टीम से शेन वाटसन दूर हो चुके हैं, शेन वाटसन ने रिटायरमेंट ले लिया है आईपीएल से भी, तो ये टीम जरूर ओपनर्स को हमें टारगेट करते हुए दिखेंगे और 5 डुप्लेसी के साथ मैथ्यू वेड बहुत बढ़िया ओपनिंग साझेदारी हो सकती है इनकी, बहुत बढ़िया विकल्प साबित हो सकते हैं मैथ्यू वेड चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में। लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन रहेगा मैथ्यू वेड और 5 डुप्लेसी का, तो ये टीम इस रणनीति के साथ मैथ्यू वेड को इस ऑक्शन में हमें टारगेट करते हुए दिखने वाली है। चलिए बात करते हैं चौथे खिलाड़ी की जिसे सीएसके की टीम इस नीलामी में हमें टारगेट करते हुए दिखेंगे। वो खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क भी आएंगे इस ऑक्शन में और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इनके पीछे हमें जाती हुई दिखने वाली है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 10 से 12 करोड़ रुपए भी लगा सकती है मिचेल स्टार्क पे। अगर इससे ज्यादा जाते हैं मिचेल स्टार्क की बोनी, तो सीएसके की टीम नहीं जाएंगे इसके पीछे, ये कंफर्मेशन हमें पहले मिल गई है। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जरूर मिचेल स्टार्क को हमें टारगेट करते हुए दिखने वाली है, क्योंकि सीएसके को टीम नीड है एक मिचेल स्टार्क जैसे स्ट्राइकिंग गेंदबाज की, और मिचेल स्टार्क कितना बढ़िया स्ट्राइकिंग गेंदबाज हम पहले जानते हैं। 150 की गति से भी गेंदबाजी कर सकते हैं मिचेल स्टार्क, तो टीम जरूर मिचेल स्टार्क पर बीडिंग करते हुए हमें नजर आने वाली है। चलिए बात करते हैं लिस्ट के 5वें और आखिरी खिलाड़ी की, वो है जे रिचर्डसन। इस यंगस्टर पे भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बीडिंग करते हुए दिखेंगे। जे रिचर्डसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है और पिछले 1-2 साल में इनका बहुत बढ़िया परफॉर्म रहा है, फिर वो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर बिग बैश लीग, और ये भी आएंगे इस ऑक्शन में। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इन्हें एक सीजन खेलने के लिए सीएसके की ओर से 5 से 6 करोड़ रुपए भी दे सकती है, तो जरूर सीएसके की टीम हमें जे रिचर्डसन को भी टारगेट करते हुए दिखने वाली है इस ऑक्शन में। तो इन 5 खिलाड़ियों को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस ऑक्शन में हमें टारगेट करते हुए दिखने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।